मैं कह रहा हूँ शाहीन आ गई क्या क्लास में? बेटे मैसेज कर दो शाहीन को, और कौन नहीं है प्लीज जो एब्सेंट है जरा बता दीजिए। वैसे ही चैप्टर 7 हमारे पास क्या है, हमारे पास है परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्लास से ही समझ में आ जाएगा, डिस्टर्ब मत होना कि सर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और एक बार हमारा ये एकेडमिक पार्ट हो जाए फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट इंशाल्लाह और एंट्रेंस वाला पार्ट स्टार्ट करें, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। मेरे एक हफ्ते की छुट्टी से बहुत डिस्टर्ब हो गया सर। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा था बचपन में या नहीं? यस यस सर, सर। यस सर। बचपन में पढ़ा था? नहीं, अब तो बुढ़ापा आ गया होगा मशर में, अभी भी बचपन आई है अल्लाह का शुक्र। हाँ बताओ प्रोबेबिलिटी क्या था? इट इज अ चांस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, चांस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, अकरिंग ऑफ एन इवेंट। ठीक है, कैसे फाइंड करते थे, व्हाट वाज द फार्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू द इवेंट। ठीक है, जो भी आपने लिया था फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यस, तो ये जो हम वहां निकालते थे फेवरेबल आउटकम्स या टोटल आउटकम्स, ये हम कैसे निकालते थे? ठीक है, कैसे का क्या मतलब, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, इफ वी ड्रॉ ए कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग, सिर्फ इतनी से मैं बात करूं, इफ वी ड्रॉ ए कार्ड, वन कार्ड, तो कोई बच्चा मुझे बताएगा टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने थे वहां पे? 52। हाँ भाई, अगर पैक में से एक कार्ड आप निकाल, अगर आप एक कार्ड निकाल रहे हैं तो देयर वर 52 पॉसिबल आउटकम्स। यस और नो? यस सर, 1/52। यस सर। अदीबा, कहीं हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं जो आप 1/52 कह रहे हो? जी बेटे, अभी हम प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं, वी ड्रॉ ए कार्ड, वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? तो 52 होंगे। लेकिन बेटे खुद सोच के देखो, अगर मैं वन की जगह आपसे कह दूं इफ वी ड्रॉ टू कार्ड्स, तब टोटल आउटकम्स कितने होंगे बच्चे, बताना जरा। हाँ भाई बताओ। 52 ही होगा, 52 का स्क्वायर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अभी आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूँ। ये मेरे पास तीन आदमी है, ए बी सी, मैं कहता हूं इनमें से एक को कॉल करो, कॉल टू वन पर्सन, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? आपके पास हो सकता है ए आ जाए, आपके पास हो सकता है बी आ जाए, आपके पास हो सकता है सी आ जाए, हाउ मेनी पॉसिबल? थ्री। थ्री, मैं कह रहा हूं नहीं, दो को कॉल करो, भाई दो लोग यहां आओ तो क्या होगा, हो सकता तो है ए बी आ जाए, हो सकता है बी सी आ जाए, हो सकता है ए सी आ जाए। मैं कह रहा हूँ कॉल टू थ्री, तीनों को बुलाओ, तीन को बुलाओ, ए बी सी, एक ही ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे जैसे हमारी चीजें चेंज होंगी वैसे वैसे हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम्स चेंज होते चले जाएंगे। ये इत्तफाक की बात है कि यहाँ भी थ्री आ रहे हैं, यहाँ भी थ्री आ रहे हैं, तो ये मत कहना कि वन कार्ड निकालेंगे तो भी 52, दो कार्ड निकालेंगे तो भी 52, डिफरेंट आउटकम्स होते हैं। तो ये हमारे पास है, तो हम कैसे काउंट करते हैं कि व्हाट इज टोटल पॉसिबल आउटकम जब चीजें मिक्स करते जाते हैं। तो अभी तो हमने एक कार्ड कहा, हम कह रहे हैं नहीं दो कार्ड निकालेंगे, नहीं हम तो चार कार्ड निकालेंगे, नहीं तो 10 कार्ड निकालेंगे, तो कैसे पता चलेगा? एक तो सिचुएशन ये हो गई। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि भाई हमारे पास मोबाइल नंबर होते हैं 98, मेरा ही नंबर ले लो 111 34002, ये मेरा मोबाइल नंबर। अब मैं आपसे कहने लगूं
how many total 10 digit possible numbers are there, kitne mobile numbers ho sakte hain. Pehle agar aapko thoda sa yaad ho to 6 digit ke numbers hote the, fir 8 digit hone lage, ab now 10 digits numbers hain. To agar 10 digit hamare paas numbers hain to ye 10 digit numbers kitne hamare paas ho sakte hain. To agar main isko bataun ye kitna hai bhai, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh. अगर हम इसको वैसे ही करें, यस 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 यस, तो कितना हो रहा है ये, 1000 लाख, 10 लाख, करोड़, 981, 9 कितना हो गया ये, 9 अरब, 900, 9 अरब हो गया ना, यस सर, ठीक है, 9 अरब 81 करोड़ या 981 करोड़, यस और नो, यस सर, कितना, यस सर, 900 81 करोड़, इतने नंबर्स हो सकते हैं. और हमारे पास तो 125 करोड़ ही है पॉपुलेशन. तो अगर हम सबको भी नंबर दे दें कि तब भी ये 10 डिजिट पूरा नहीं होगा. तो अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि टोटल पॉसिबल नंबर्स कितने हैं, ये पूछने लगूं, या मैं आपसे कहूं नहीं सर मुझे तो ये बताओ, कभी हमारे पास क्या होता था, 9810 हमारा एयरटेल का होता था, तो 9810 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स कितने बन सकते हैं, इस तरह से. अगर आपको थोड़ा सा याद हो, ओखला का अगर मैं बात करूं तो 269 MTNL का कोड होता है, तो जो 269 से स्टार्ट होंगे समझो वो ओखला के नंबर हैं दिल्ली में, 265 से दूसरे होंगे, 263 से दूसरे होंगे, लाइक दिस. तो ये हमारे पास है. तो हम कैसे पता चलेगा, कैसे हम काउंट करें, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं हम उसको मैथ्स में एक्सपेरिमेंट कहते हैं, टास्क ही कह लें. तो जो टास्क हो रही है, जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, वो कितने टोटल पॉसिबल वेज में होगा उसको फाइंड करने को परमुटेशन है. परमुटेशन मींस सिंपल लैंग्वेज में नंबर ऑफ वेज टू डू ए टास्क. परमुटेशन को वैसे हम सिंपली अरेंजमेंट कहते हैं, अरेंजमेंट, कि हम कितने डिफरेंट वे में किसी चीज को अरेंज कर सकते हैं. और मैं क्या कह रहा हूं, कितने डिफरेंट वे में हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं. तो परमुटेशन मींस नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ वेज टू डू ए टास्क. किसी टास्क को हम कितने वे में कंप्लीट कर सकते हैं. जैसा मैंने आपसे कहा कि मुझे 52 में से 2 कार्ड्स निकालने हैं, तो कितने डिफरेंट वे में मैं 2 कार्ड्स ले सकता हूं. तो ये जो मेरा आएगा, या मैं जो अरेंज करूंगा कि भाई ए को बी के साथ अरेंज कर दूं, ए को सी के साथ अरेंज कर दूं, बी को सी के साथ अरेंज कर दूं, ये कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं टू डू ए टास्क. तो ये क्या है, परमुटेशन. अब इसको समझिए ध्यान से, परमुटेशन आया कहां से, मतलब जब आप अरेंजमेंट की बात करते हो तो अरेंजमेंट आया कहां से. मेरे पास 3 लोग हैं, ए बी सी, और मैं कह रहा हूं एक को कॉल करिए, कॉल वन. तो टोटल वेज कितने हो सकते हैं, कोई बताएगा. अगर मैं 3 में से एक को कॉल करूं तो इन हाउ मेनी वेज आई विल गेट द आंसर, कौन आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी, 3, यस. मेरे पास क्या है, 52 कार्ड्स हैं, और बेटा मुझे एक कार्ड चाहिए, वन कार्ड. तो टोटल ऑप्शंस कितने होंगे, कि टोटल डिफरेंट रिजल्ट्स कितने आएंगे, 52 ऑब्वियसली बात है. मतलब क्या, कहने का मतलब क्या है कि अगर सिर्फ मुझे एक ही चीज चाहिए तो उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होता है. जितने मेरे पास ऑप्शन हैं उतने ही मेरे आंसर है. अगर मेरे पास 3 आदमी हैं और मैं एक को कॉल कर रहा हूं तो 3 ऑप्शन है, ए आ जाए, बी आ जाए, सी. अगर मेरे पास 52 कार्ड है और मैं एक कार्ड निकाल रहा हूं तो मेरे पास 52 ऑप्शन है, ठीक है. तो फिर हमारे पास कोई वो नहीं है, जितने ऑप्शन है उतने ही मेरे आंसर. तो वन में कोई अरेंजमेंट नहीं होता. भाई मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास 3 चेयर है, चेयर 1, चेयर 2, चेयर 3, ये मेरे पास है. और मैं आपसे कहूं आप आके इस पे बैठ जाओ कुर्सी पे, एक आदमी को बिठा रहा हूं, और मैं कहूं कितने डिफरेंट वेज में ये ए बैठ सकता है, भाई हो सकता है ए यहां बैठे, हो सकता है ए यहां बैठे, हो सकता है, ऑप्शंस ढूंढ रहे, ठीक है, बैठेगा तो एक ही जगह, बट पॉसिबल वेज ढूंढ रहे हैं. तो ए के लिए कितने ऑप्शन है, कितने प्लेस पे बैठ सकता है, 3,
थ्री ऑप्शन। तो अगर एक ही आदमी को बिठाना है, अगर एक को ही चूज करना है, तो उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है भाई, जितने पॉसिबल ऑप्शन है उतने तुम्हारे का आंसर। अगर यहाँ 500 चेयर्स हैं तो फिर उसके लिए ऑप्शन भी 500 है। अगर 100 चेयर्स हैं तो 100 कहीं बैठ जाओ सर, आपकी मर्जी है। अरेंजमेंट जब भी बेटे आएगा तब आएगा जब दो लोग हो जाएं, एक से ज्यादा लोग। अब बताओ भाई ए को कहाँ बिठाएं और बी को कहाँ बिठाएं, बात समझ में आ रही है? तो अरेंजमेंट कब आएगा? जब एक से ज्यादा इन्वॉल्व हों। तो अब जरा सुनो, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये हमारे पास बहुत ही छोटा सा कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 चेयर्स हैं और ये हमारे पास 2 लोग हैं और इनका मुझे सिटिंग अरेंजमेंट चाहिए। इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट, 2 पर्सन कैन सिट ऑन 3 सीट्स? अगर एक होता तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं था, कहीं बैठ जाओ। अब लड़ाई हो सकती है। क्या लड़ाई हो सकती है? कि एक है मैं बीच में बैठूंगा, बी है मैं बीच में बैठूंगा, और अगर विंडो वाली सीट हो जाए, बस वाली कार वाली, नहीं मैं विंडो पे बैठूंगा, मैं विंडो पे बैठूंगा, तो यहाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा। तो अब इसको मैथमेटिकली करते हैं सॉल्व। मैथमेटिकली क्या करते हैं कि भाई हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक होगा टास्क। सब बच्चे ध्यान से समझ लीजिए, अभी पहली एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी इस लाइन के बाद सब बच्चों की माशाल्लाह से। हमारे पास होती है टास्क। टास्क क्या है? 2 लोगों को बिठाना है, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 2, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 2। लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा चीजें इन्वॉल्व हैं तो उस टास्क में सब टास्क होगी। टास्क तो ये है सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 2, लेकिन उसमें सब टास्क होगा कि यार ऐसा करो पहले ए को बिठा दो, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए, और फिर क्या करो जब ए बैठ जाए, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ बी। अब आप कहोगे नहीं सर पहले ए को क्यों बिठाएं बी को, कोई बात नहीं बी को बिठा लो फिर ए को बिठा लो, तो ऑप्शंस दोनों सेम रहते हैं। तो ये हमारे पास है कि यार दोनों को एक साथ ना बिठा के इन्हें टास्क को डिवाइड कर लो, पहले एक को बिठा लो फिर दूसरे को फिर तीसरे को, और क्योंकि एक को करना आसान है, जितने ऑप्शन उतने एक का आंसर। समझ में आया? तो अब क्या हुआ अब वो समझ लीजिए। एक्चुअली क्या है इन ए टास्क, इफ ए सब टास्क कैन बी डन, यही खत्म हो जाएगा चैप्टर इंशाल्लाह, जो एक्सरसाइज आज पढ़ेंगे वो अभी खत्म हो जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेनी होमवर्क की, क्लास वर्क की, किसी चीज की। इन ए टास्क इफ ए सब टास्क कैन बी डन इन M1 वेज, बेटे ध्यान से देख लीजिए M1 वेज, अनदर सब टास्क कैन बी डन इन M2 वेज, अनदर सब टास्क कैन बी डन इन M3 वेज, क्योंकि पता नहीं ना कितनी सब टास्क होंगे किसी चीज में, एंड सो ऑन। हो सकता है 100 सब टास्क हो, 20 सब टास्क हो, द टोटल टास्क, द होल टास्क कैन बी डन in M1 into M2 into M3 into ways in their product। अगर हमारे पास एक टास्क को M1 ways में कंप्लीट कर सकते हो, दूसरे को M2 ways में कंप्लीट कर सकते हो, the whole task को उनके प्रोडक्ट में आप कंप्लीट कर सकते हो। क्या मतलब है आप ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं मेरे पास ये 3 चेयर्स हैं, और ये मेरे पास 2 लोग हैं। मैं आपसे कह रहा हूं ऑप्शन 4 ए, बी को बाद में सोचेंगे, हम पहले ए के ऑप्शन सोच लेते हैं, हम अभी बी को सोच ही नहीं रहे, और हमारे पास 3 चेयर हैं, तो मुझे बताओगे ए के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल हैं? 3। क्योंकि मैंने कहा 1 के लिए कुछ सोचना ही नहीं है, 1 के लिए तो जितने हैं वही आंसर, तो ऑप्शन 4 ए 3। अब यहाँ क्या सोचना है बेटे, ऑप्शन 3 हैं, बट ए बैठेगा जरूर एक सीट पे, तो अगर एक सीट पे बैठेगा तो वो उसको फिक्स कर देगा। अब किसी पे भी आप बिठा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, मान लो हमने कहा ये वाली सीट हमारी बुक हो गई और ये हमारा ए बुक हो गया, खत्म। अब हमारे पास बचा कौन? बी। तो ऑप्शन 4 बी। अब बी के लिए कितने ऑप्शन? 2। कहीं बिठा दी 3 और 2, तो टोटल ऑप्शंस हमेशा उनके प्रोडक्ट में होंगे, तो 3 2 6। अभी देख भी लेते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है भाई। हो सकता है हमारे पास ये 3 है, तो
तो हो सकता है, देखो ध्यान से, मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ए यहाँ बैठे, बी यहाँ बैठे, हो सकता है ए यहाँ बैठे, यहाँ ना बैठे, यहाँ बैठे, ये हमारे पास हो सकता है, ठीक है। एक हमारे पास हो सकता है यहाँ ना बैठे, यहाँ ए बैठे, यहाँ बी बैठे, ये तीन ऑप्शन होंगे। इसी तरह से बी के ऑप्शन होंगे बेटे, बी ए नॉट, बी नॉट ए एंड नॉट बी ए। ये हमारे पास कितने ऑप्शन है, सिक्स ऑप्शन, सिक्स। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है बेटे। तो इस तरह से आप काउंट करेंगे। आओ चलो देखते हैं, अगर मैं आपसे कहूं सेटिंग अरेंजमेंट ऑफ थ्री पर्सन ऑन थ्री चेयर्स, ठीक है, आपके पास बेटे तीन चेयर हैं और आपके पास तीन लोग हैं, तो इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट। अगेन बेटे वही रहेगा ऑप्शन फोर ए। बताओ ए के लिए कितने ऑप्शन, थ्री। बी के लिए कितने ऑप्शन, टू। सी के लिए कितने ऑप्शन, वन। टोटल वेज कितना, सिक्स। थ्री इंटू टू इंटू वन, कुछ नहीं करना क्लास वर्क, बेफिक्र हो ना, होमवर्क करना ना क्लास वर्क। सिक्स, तो ये हमारे पास सिक्स वेज है, समझ में आ गया। जहां जहां हमने ब्लैंक छोड़ा था मामा सी आ जाएगा अपने आप ही, ठीक है। ये मतलब क्या होगा, हो सकता है ए हमारा फर्स्ट पे हो तो फिर ठीक है बी सी यहाँ होगा, लेकिन हो सकता है सी बी हो सकता है बी फर्स्ट पे हो तो ए सी आएगा या सी ए आएगा, हो सकता है सी फर्स्ट पे हो तो सी ए बी आएगा या सी बी आएगा। इसके अलावा बेटे और कोई ऑप्शन नहीं। तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है कि हम अपने टास्क को सब टास्क में ब्रेक कर लेंगे और फिर उनको इंडिविजुअली काउंट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसे कहते हैं फंडामेंटल मेथड ऑफ काउंटिंग, सिंपल काउंट कर लो, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या है, परमुटेशन समटाइम क्या होता है, कंडीशनल हो जाता है। कंडीशनल क्या है, ध्यान से देख लीजिए सब बच्चे, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी ऑन थ्री चेयर्स लॉ, सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ ए बी सी ऑन थ्री चेयर्स, इफ बी सिट ऑन द मिडिल सीट। अब कौन सा अरेंजमेंट है, आपने कंडीशन लगा दी, कंडीशन अगर लगेगी तो फिर हमारा अरेंजमेंट दूसरा हो जाएगा। हमारे पास क्या है, ये तीन चेयर है और ये ए बी सी है, और कंडीशन क्या है कि सर बी को मिडिल सीट पे बैठना है। क्वेश्चन क्लियर है या नहीं? Yes, sir. कोई चेंज नहीं हुआ कुछ भी, बस ये है कि हमारे अरेंजमेंट में अब कंडीशन लग गई। अब अगर कंडीशन लग गई अब क्या होगा, तो बेटा करना कुछ नहीं है, जिस पे कंडीशन है पहले उसी के लिए ऑप्शन लिख दो, बस पानी खत्म हो जाएगी। तो बताओ ऑप्शन फॉर बी कितने हैं, वन। जब वो बी को बैठना है बीच में है, भाई मान लो हमारे यहाँ फंक्शन हो रहा है स्कूल में और ये हमारे चीफ गेस्ट हैं, तो इन्हें बीच में बिठाना है और कहीं बिठा नहीं सकते, तो ऑप्शन फॉर बी इज वन। तो जो कंडीशन आए पहले उसी को फिक्स करना है, उसके अलावा किसी को नहीं करना है। अब बी की कहानी हो गई खत्म, अगर बी की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई तो एक सीट भी हमारी चली गई। अब आप ए को कहीं भी बिठाओ, सी को कहीं भी बिठाओ, बताओ ऑप्शन फॉर ए, बताओ ऑप्शन फॉर सी, वन। टोटल बताओ बेटे कितने होंगे, यस, वन इंटू टू इंटू वन। जरा खुद सोच के देखो, अगर बी बेटे बीच में बैठेगा तो या तो ए बी सी होगा बेटे या सी बी ए होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकते। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ, yes, sir. ठीक है। और बस लास्ट और फिर देखो माशाल्लाह सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे। लास्ट चीज क्या है, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कभी कभी चीजें होती हैं रिपीट हो जाती हैं, कुछ चीजें हमारे पास रिपीट हो जाती हैं। क्या है,
रिपीटिंग क्या है? अब जरा सब बच्चे ध्यान से देखो, मैं आपसे कह रहा हूं थ्री डिजिट नंबर्स, यूजिंग 3, 4, 5. आपको क्या करना है सब बच्चे, बस ये लास्ट टॉपिक है और आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज समझो डन इंशाल्लाह. और जिस बच्चे ने भी थोड़ा सा भी एक्टिव होके सुना होगा सब अपने आप करोगे इंशाल्लाह, मेरी जरूरत भी नहीं है इंशाल्लाह. तो आपसे क्या कह रहा है, यूज रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग डिजिट्स की बात आएगी, थ्री डिजिट नंबर यूजिंग 3, 4, 5. अब बेटे जरा ध्यान से सुनो, अगर मुझे थ्री डिजिट नंबर बनाना है, सब बच्चे प्लीज थोड़ा सा ध्यान से, तो एक तो पॉसिबिलिटी क्या है और मुझे यूज करना है 3, 4, 5 को, ठीक है. तो एक तो कोशिश ये है, एक तो मेरा नंबर होगा 345, ठीक है, 354 ये हमारे पास है. लेकिन क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा 333 भी नंबर हो सकता है क्या? हाँ भाई, यस सर, 333 भी हो सकता है और 334 भी हो सकता है. मतलब हम एक डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं. देखो वहां तो आदमियों का था, बिठाना तो पॉसिबल नहीं था कि भाई एक आदमी दो चेयर पे बैठ जाए, समझ में आ रहा है? Yes. तो वो तो रिपीटेशन yes, नहीं था. लेकिन यहां तो रिपीट हो सकता है ना कि एक ही चीज दो प्लेस पे आ जाए. और उसमें भी सुन लीजिए, पर्सन में भी क्वेश्चन आएंगे बेटे, पर्सन में भी क्या होगा कि आपसे कह देगा कि भाई हमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, ठीक है, मिनिस्टर बनाने हैं. तो ये हो सकता है कि एक ही आदमी के पास दो पोस्ट हो, क्वेश्चन में जब तक मेंशन ना करे या कर दे तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सब अलग अलग हैं या एक साथ दो पोस्ट भी ले सकता है. तो अगर दो पोस्ट लेगा तो वहां रिपीटिंग वर्ड आ जाएगा, रिपीटिंग टर्म आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि रिपीटिंग हो रहा है. तो अब रिपीटिंग में क्या होगा बच्चे कि क्वेश्चन में मेंशन करेगा. क्या कह रहा है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, थ्री डिजिट नंबर्स, ठीक है बेटे, यूजिंग 3, 4, 5. अब प्लीज ध्यान देख लो, तो यहां मेंशन करेगा फर्स्ट Digits are repeating. अगर repeating करेगा तो question अलग होगा. Digits are not repeating तो अलग होगा. अब चलो ध्यान से देखो, अगर repeat कर रही हैं, तो बेटे three digit का मतलब क्या है? Three digit का मतलब ये है कि आप इसको position के according ले लो, left most, middle, last, या फिर आप ये ले लो option four, 100th place. क्योंकि नंबर बना रहे हैं तो 100 प्लेस के लिए कितना है, डिजिट्स रिपीट हो रही हैं बेटे, ध्यान रखना. तो हमारे पास कितनी डिजिट्स हैं? थ्री. तो 100 प्लेस पे कौन आ सकता है? कोई भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, फाइव भी आ सकता है. तो ऑप्शन 400 प्लेस, थ्री डिजिट्स, ठीक है. अब एक को आपने यूज कर लिया, मान लो थ्री को आपने यूज कर लिया, ठीक है भाई, और यहाँ पे आपका एक नंबर आ गया. अब आप कह रहे हो कि सर ऑप्शन 4 टेंस प्लेस, ठीक है भाई. अब बताओ टेन प्लेस के लिए कितने ऑप्शन? फोर या फाइव, ठीक है. लेकिन बेटे हमने क्वेश्चन में पहले क्या लिख दिया, फर्स्ट डिजिट्स आर रिपीटिंग का मतलब जो यूज हो चुका वो फिर भी यूज हो सकता है बेटे. तो इसका मतलब थ्री अभी भी यूज हो सकता है. समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? यस सर. क्योंकि उसने खुद ही क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना बेटे कि थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं, 3, 4, 5 को यूज करना है और ऑप्शन ये है कि डिजिट्स रिपीट हो सकती है. तो जिसे आप यूज कर चुके वो फिर अवेलेबल है. तो इसका मतलब थ्री अभी भी अवेलेबल है. तो बेटे टेन प्लेस के लिए भी थ्री ही होंगे. तो अगर टेन के लिए थ्री होंगे तो वन प्लेस के लिए क्या होगा, यूनिट प्लेस के लिए थ्री. तो टोटल नंबर अभी भी वही रह गया बेटे, क्वेश्चन तो अभी भी वही है, इंडिविजुअल्स को मल्टीप्लाई करना है. तो कितने नंबर्स? 27. वेरी गुड. अब मैं कह रहा हूँ नॉट रिपीटिंग, पता नॉट रिपीटिंग वाला तो आपको पता ही है मेरे हिसाब से. तो नॉट रिपीटिंग 6, ठीक है. तो नॉट रिपीटिंग में क्या होगा, 100 प्लेस के लिए कितने नंबर? 3. Tens place के लिए कितने बेटे? 2. Ones place के लिए कितने? 1. Total number कितने? 6. समझ में आया या नहीं आया? Yes sir, आ गया. आपकी first exercise खत्म हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह. आप ही करोगे, आओ मेरे साथ करो, शाबाश. बस इतना ही करना है आज के लिए, इतना ही.
आप बस इसको उठा के फेयर कॉपी में कर लेना, कोई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। हाँ, जो पिछला बैकअप करना है उसको करेंगे, वो सब बच्चे मेहनत कर लेना थोड़ी सी, तो हमारा इंशाल्लाह इसी हफ्ते में 19 से 30 के बीच में इंशाल्लाह हमारा सिलेबस हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे साथ मेहनत कर लेना, मुझे भी फिक्र हो रहा है कि सितंबर चल रहा है, आने वाला है और सिलेबस नहीं हुआ है। सब बच्चे देखो कितना इजी इजी से क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको, हंसोगे आप। आओ शाबाश, देखो ये आपका एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। सब बच्चे जल्दी जल्दी एक एक लाइन में आप सभी, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5, कितने डिजिट्स यूज कर रहे हो आप? 5 यूज कर रहे हो। कितने डिजिट का नंबर बनाना है? 3 डिजिट का नंबर। अब बस एक मिनट रुक जाओ, मैं ये ले रहा हूँ फर्स्ट, या ऐसे छोड़ो, मैं ये ले रहा हूँ 3 डिजिट, 100 प्लेस, 10 प्लेस, 1 प्लेस, जिससे पूछूं रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड, ठीक है? तो मुझे बताओ 10 प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हैं, 100 प्लेस के लिए, 100 प्लेस के लिए कितने ऑप्शन हैं? सारे अवेलेबल है ना? 5 रिपीटेशन अलाउड है, तो 10 प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 5 वंस के लिए कितने हैं? 5 टोटल कितने हो जाएंगे? 125। अब हम कह रहे हैं नहीं सर रिपीट नहीं होगा, तो 100 के लिए कितने? 5 टेंस के लिए कितने? 4 वंस के लिए कितने? 3 कितने नंबर्स? 60 सब बच्चे बताओ समझ में आया या नहीं आया? यस सर। स्टेटमेंट लिख लोगे सब? ऑप्शन फॉर 100 प्लेस, ऑप्शन फॉर 10 प्लेस, ऑप्शन फॉर 1 प्लेस। यस सर। गुड। यस सर। शाबाश। देखो एक और देखो, थोड़ा सा सोचना इस बार, थोड़ा सा सोचने को कह रहा हूं मैं पहले ही, सोचना बस, थोड़ा सा आंसर आ जाएगा, डरने को नहीं कह रहा हूं, थोड़ा सा सोचोगे आंसर आ जाएगा। देखो हाउ मेनी थ्री डिजिट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी, हर एक वर्ड की अपनी मीनिंग है। How many three digit even numbers? मैं mark कर रहा हूँ even numbers. अच्छा, ठीक है. Can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मैं आपको यहाँ लिख दे रहा हूँ आपके लिए total digits, आपकी help कर दे रहा हूँ. Total digits 6. और कितने place का बनाना है? 3 digit का. 3. लेकिन आपको बनाना क्या है? इवन नंबर, मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएं, ठीक है? अब बताओ किस बच्चे को समझ में आ रहा है? अदीबा आप ही बताओ बेटे क्या करूं मैं? सर आ रहा है सर। बताओ क्या करूं, इसमें कितने नंबर्स होंगे? सर इसका 27 होगा सर, 3 × 3। हाँ एक सेकेंड, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें कह रहा है डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। जी अदीबा बताओ बेटे। yes, sir. Sir, at 100 place, sir, 3, at 10 place, 3, at 1 place, 3. Total number? 27. बहुत अच्छे, शाबाश। अब आप थोड़ी देर खामोश रहेंगे। अंजाल आप बताओ बेटे। Sir, 3 into 3 into, sir, 2. 3 into 3 into 2, 18. शाबाश। शाहीन आप बताओ। मुझे इतने समझ आया कि लास्ट में 2, 4, 6 आना चाहिए वंस डिजिट पे ताकि इवन नंबर रहे। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो लास्ट में अगर 3 आना चाहिए, आपको ये समझ में आ रहा है कि इवन नंबर तब बनेगा जब लास्ट में 2, 4, 6 आएगा, यस और नो, ये कहना चाह रहे हो ना? यस सर। शाहीन ये कह रही हैं कि भाई सर मुझे इवन नंबर चाहिए तो लास्ट में 2, 4, 6 आना चाहिए। अगर 2, 4, 6 आना चाहिए शाहीन, तो लास्ट वाले डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है? 3। वेरी गुड। यूनिट प्लेस के लिए 3 है, बहुत अच्छे। अब बताओ टेंस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन है? 6। टेन प्लेस के लिए 6 क्यों? 6 × 6 × 3। शाइन टेंस प्लेस के लिए 6 क्यों? भी आ सकता है वहां पर है? क्या आ सकता है? कोई भी नंबर आ सकता है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, जो यूनिट प्लेस पे आ गया वो भी आ सकता है। चलो शाबाश। तो 100 प्लेस पे कौन? 6। 100 प्लेस पे भी 6, तो 36 3 जा 108।
यहाँ आप आ जाओ वापस, आप सब बच्चे, मैंने कहा था थोड़ा सा सोचना है। सोचना क्या था बेटे कि मुझे इवन नंबर चाहिए। बच्चे इवन नंबर कब होता है? इवन नंबर सिर्फ डिपेंड करता है यूनिट प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस के लिए। तो यूनिट प्लेस के ऑप्शंस ढूंढने थे आपको, तो यूनिट प्लेस के ऑप्शंस हैं, अगर वहां पे यूनिट इवन डिजिट होते, जीरो तो यहाँ है नहीं, 2, 4, 6, 3, तो यहाँ कंडीशन थी, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी। तो जब कंडीशन होती है ना बेटे, तो सबसे पहले कंडीशन को ही फुलफिल करते हैं। ये मैंने आपको कंडीशनल परमुटेशन बताया, बताया ना? यस सर। मैंने आपसे क्या कहा था कि बेटे जहां कंडीशन हो पहले उसे फुलफिल करो। तो सिर्फ आपके पास हो क्या रहा है बच्चे, ये हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके लिए सिर्फ ऑप्शन है 2, 4, 6, 3। यहाँ कुछ भी आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी कि 6। यहाँ कुछ भी आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6। तो 6 × 6 × 3, सबको समझ में आया या नहीं आया? मुश्किल तो नहीं था ना? ठीक है, पॉइंट आपके पकड़ से बाहर था, लेकिन मुश्किल तो नहीं लगा ना? समझ में आ गया? Yes, sir. कि जब जहां कंडीशन होगी बेटे, पहले उसी कंडीशन को फुलफिल करना, फिर बाकी सोचना है कि यहाँ क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा मुझे बताओ, चलो शाबाश, इसी क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं यूजिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 थ्री डिजिट इवन नंबर, ठीक है? रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन Not allowed. अदीबा आप बताओ जरा। सर 90 होगा। अदीबा को बोलने तो पहले। अदीबा बताओ, अब भी थ्री डिजिट इवन नंबर ही चाहिए, बट अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है। सर फर्स्ट एट ज्यादा मत सोचा करो, सबसे पहले कंडीशन वाला फुलफिल करो। यूनिट प्लेस पे कितने? सर 3, 2, 4, 6, तो 3। यस सर 3। टेंस प्लेस पे बताओ, 10 या 100 किसी को भी रख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। 10 प्लेस पे बताओ, 3। 100 प्लेस पे बताओ, सर 2। यही तो गड़बड़ कर रहे हो। अयान अब आप बताओ बेटे, अयान यूनिट प्लेस पे कितने? यस सर 3। 3। 10 प्लेस पे कितने? सर 5। 10 प्लेस पे 5। 100 प्लेस पे कितने? 6। गुड यूसुफ, आप बताओ टेंस वंस प्लेस पे कितने? सर 3 आएगा। वंस प्लेस पे 3 आएगा, ठीक है। टेंस प्लेस पे कितने? सर 5 होगा। 5 होगा। 100 प्लेस पे कितने? सोच नहीं रहे हो आप? आओ मेरे से साथ सीखो, मेरे साथ सीखो, आ जाओ। शाबाश। हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है बेटे, दो चीजें हैं, आप सब बच्चे ध्यान से सुन लीजिए। एक है ऑप्शन, एक है उसे फिल करना। दो तो अलग अलग चीजें हैं। हम कह रहे हैं कि यूनिट प्लेस के लिए ऑप्शन कितने हैं, तो बेटे यूनिट प्लेस के लिए ऑप्शन है 2, 4, 6, यानी कि 3। लेकिन फिल एक ही करेगा, या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा, यूज एक ही होगा। हम ऑप्शंस गिन रहे हैं बट यूज को हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब एक को यूज कर लेते, मान लो 2 को यूज कर लिया। अब अगर 2 यहां यूज हो गया, अब 2 को दूसरी जगह यूज नहीं करेंगे बिकॉज रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो अब इसका मतलब हमारे पास टेंस प्लेस के लिए कितने ऑप्शन बचे? 5। यस, तो हमारे पास टेंस प्लेस के लिए 5 बचे। लेकिन बेटे 5 बचे तो एक तो फिर यूज हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? हो गया होगा सर। यस सर, एक यूज हो गया, कोई सा भी यूज कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा वन यूज हो गया। अब बताओ 100 प्लेस के लिए कितने बचे? 4। 2 कैसे बचे? 4। बेटे यही सोचना है बस, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। एक हम गिन रहे हैं बेटे ऑप्शंस, और एक हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, तो यूज तो हटा देना है ना। तो आपके 2 प्लेस यूज हो चुके, तो 2 नंबर चले गए, तो 4 बचे, तो कितने नंबर आए? 60, 4 × 5 × 3, yes or no? Yes, sir. आओ एक और देख।
तो आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। चलो बताओ, ये बहुत इजी है। हाउ मेनी फोर लेटर कोड कैन बी फॉर्म यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इफ नो लेटर कैन बी रिप्लेस्ड। नो लेटर कैन बी रिप्लेस्ड मतलब विदाउट रिपीटेशन, नॉट रिपीटिंग, किसी को भी आप ठीक है रिपीट नहीं करोगे। आपको कितने लेटर का कोड बनाना है? फोर लेटर। फोर लेटर। आपके पास अल्फाबेट्स कितने हैं? 10। अब आप बस करते चले जाओ, पहले वाले के लिए कितने ऑप्शन? 10। दूसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन? 9। तीसरे के लिए कितने ऑप्शन? 8। लास्ट वाले के लिए? 7। आंसर आ गया, मुबारक। चलो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुबारक। गुड, आओ सर एक और देखो। अब ये वाला देखो, सोचना थोड़ा सा, हल्का सा सोचना, हल्का सा, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है सब बच्चों को। चलो शाबाश, खत्म हो गई एक्सरसाइज, दो क्वेश्चन और बचे हैं, बस इतना ही करना था आज के लिए। चलो बताओ, हाउ मेनी फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स, जितना जितना पढ़ते रहो उतना इतना सोचते रहो, फाइव डिजिट टेलीफोन नंबर्स यूजिंग 0 to 9। Using 0 to 9, कोई बच्चा बताएगा 0 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हुए? 10। 10। Yes. तो इसका मतलब हमारे पास 10 डिजिट्स अवेलेबल हैं और आपके पास 5 डिजिट यूज करने। अब यहाँ यहाँ कंडीशन है, इफ ईच नंबर स्टार्ट्स विद 67, हर एक नंबर जो होगा वो 67 से स्टार्ट होगा, इसका मतलब कोई बता सकता है? 67 से स्टार्ट होगा का क्या मतलब है? ये फिक्स है, इसका मतलब है क्या है? तो मतलब ये सब मिलेगा, फिक्स है, हर जगह यूज होगा। इसका मतलब ये है, फर्स्ट वाले पे सिर्फ 6 आएगा, लेफ्ट वाले पे, लेफ्ट मोस्ट पे, और उससे नेक्स्ट वाले पे सिर्फ 7 आएगा और कुछ नहीं आ सकता। समझ में आ गया? Yes, अगर sir. अगर नंबर 67, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ओखला के नंबर 26 से स्टार्ट होते हैं, तो इसका मतलब है कि 67 से, इसका मतलब है कि लेफ्ट मोस्ट के लिए कितने ऑप्शन? 1। सिर्फ 6। दूसरे वाले के लिए कितने ऑप्शन? 1। सिर्फ 7। अभी तक इतना ही पढ़ा है, आगे नहीं पढ़ा, अब आगे पढ़ो। नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। नो डिजिट अपीयर मोर देन वंस का मतलब क्या है? अगर 6 यूज हो चुका तो क्या दोबारा से आएगा? नहीं आएगा सर। अगर 7 यूज हो चुका क्या दोबारा से आएगा? नो सर। नहीं, तो बताओ नेक्स्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन? 8। नेक्स्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन? 7। वाले के लिए कितने ऑप्शन? 6. That is the answer. Yes or no? Yes, sir. चलो मुबारक, सबको समझ में आ रहा है? जी सर। Yes, sir. आओ चलो देखो एक और क्वेश्चन। ये तो आप सब बच्चे कर चुके हो, लेकिन अब आज परमुटेशन से करके देखो इसको, ये आपने खूब पढ़ा है टेंथ में। A coin is tossed 3 times and outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? तो इसको परमुटेशन से करो। ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स मतलब पहला आउटकम, मतलब दूसरा आउटकम, मतलब तीसरा आउटकम, ये हमारे पास हो गए। तो आपके पास 3 सब टास्क हो गए। आपने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया है, दैट इज योर होल टास्क। इन सब टास्क व्हाट इज फर्स्ट आउटकम, व्हाट इज सेकंड आउटकम, व्हाट इज थर्ड आउटकम, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, सब बच्चों को पता है। 3 कॉइंस को टॉस करते हैं तो 8 रिजल्ट आता है, पता है ना सबको, लेकिन परमुटेशन से कर रहे हैं। मुझे बताओ सब बच्चे, अगर आपने कॉइन को पहली बार टॉस किया होगा तो उसके ऑप्शंस क्या आए होंगे? 2 हेड या 2 आएगा, हेड या टेल। सेकंड के लिए कितने आउटकम्स? उसके लिए भी 2 आउटकम। थर्ड के लिए कितने आउटकम्स? उसके लिए 2। तो टोटल क्या करते हैं? 8। तो आपको ये लिखना था, ऑप्शन 4 फर्स्ट आउटकम 2, ऑप्शन 4 सेकंड आउटकम 2, ऑप्शन 4 थर्ड आउटकम 2, टोटल आउटकम 8, ये करना था। समझ में आ गया? यस सर। कुछ करना ही नहीं था। लास्ट क्वेश्चन आपका खत्म एक्सरसाइज, इतनी सी मेहनत करनी थी बस आपको।
बस इसको फेयर कर लेना, आज इतना कर लेना, आधा घंटा लगेगा ज्यादा फेयर करने में. ऑल एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस, तो फिलहाल एनसीईआरटी कर लो जब तक मैं सबका सिलेबस इक्वल ना करूं. यस, गिवन फाइव फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, अगेन इंफॉर्मेशन लिया करो. फाइव फ्लैग्स ऑफ, एक रेड है, एक आपके पास मान लीजिए वायलेट है, एक मान लीजिए ग्रीन है, एक मान लीजिए स्काई ब्लू है, एक मान लीजिए ब्लैक है. तो आपके पास अवेलेबल फाइव कलर्स हैं. आपसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ईच सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ टू फ्लैग्स. आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि टू कलर का फ्लैग बनाना है, वन कलर एंड सेकेंड कलर, और ये मुझे फ्लैग बनाना है टू कलर का. तो आपसे कह रहा है वन बिलो द अदर, तो बताओ हाउ मेनी पॉसिबल, हाउ मेनी सिग्नल्स आर देयर, ये हमसे कह रहा है. मेरे पास अवेलेबल कितने कलर हैं, फाइव, और मुझे यूज कितने करने हैं, टू. तो कोई बच्चा मुझे बताएगा, मान लो फर्स्ट कलर के लिए कितने ऑप्शन, फाइव, तो सेकंड के लिए कितने ऑप्शन, फोर, थ्री. थ्री कैसे, अगर बेटे टोटल फाइव है, हाँ दी बोल, बिकॉज टू कलर्स आर यूज्ड, हैं सर, दो कलर यूज कर लेंगे तो फाइव को सब्ट्रैक्ट करने पे थ्री होंगे. दो कहाँ करें, एक ही तो यूज करा है, दो ही तो कलर्स यूज करने हैं, टू कलर एक ही है. एक मिनट, दो ही कलर, दो ही कलर का तो फ्लैग बनाना है बेटे अदीबा. तो पहला वाला हमारे पास क्या है, रेड, वॉलेटाइल, आपका ये ग्रीन या स्काई ब्लू या ब्लैक, तो पांच ऑप्शन है. इनमें से आपने एक को यूज कर लिया, मान लो रेड को यूज कर लिया, तो अब आपके पास कितने ऑप्शन बचे बेटे, फोर. समझ गए, तो टोटल क्या हो गया, 5, 4 जा 20. अब यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज का कि क्वेश्चंस के अंदर ना भी दिया हो कि रिपीटेशन है या नहीं है, तो भी आपको खुद सोचना है, ठीक है. तो अब यहाँ पे जैसा हमसे कह रहा टू कलर, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि ऊपर रेड ले लिया फिर नीचे भी रेड ही ले लें, तो 5 × 5, क्योंकि अगर ऊपर रेड लोगे नीचे रेड लोगे तो वो तो वन कलर का सिग्नल हो गया, टू कलर का कहाँ हुआ. समझ में आया, यस सर. तो हमें खुद भी सोचना है. तो ये था बेटे आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन. बताओ सब बच्चों को समझ में आया क्या, यस सर. हाँ जी, तो आपका आज सिर्फ इतना ही होमवर्क है सब बच्चों का, आधा घंटा लगेगा बेटे मैक्सिमम, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे इंशाल्लाह, कि आपको सिर्फ इतना ही होमवर्क है कि आप इसके एग्जांपल्स फर्स्ट एक्सरसाइज के और फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस आप कर लें फेयर कॉपी, ठीक है. अब हमारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास इंशाल्लाह एक दिन छोड़ के होगी, यानी कि फ्राइडे. फ्राइडे को आपके थर्सडे क्लास नहीं होती ना, कल मैथ्स का टाइमिंग नहीं है ना, लेकिन कल भी मैथ्स होगा. कल का टाइमिंग क्या क्या है आप लोगों का, सर फिजिक्स केमिस्ट्री सर, 4 से 6:15, तो 6:15 के बाद ही इंशाल्लाह, मतलब वही 6:15 क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और 7:30 तक इसी तरह से लेंगे, 7:30 तक चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इंशाल्लाह. तो जिन बच्चों का कल 6 बजे, तो कुछ बच्चों की बायो की भी होगी कल, कुछ बच्चों की कल, बेटे दो ही तो क्लास हैं, ये होती ना कल, कल बायो नहीं है, बायो भी, कल बेटे दो क्लास हैं, मैं देख लूंगा किस टाइम हो रही है, तो उसके बाद मैं अभी आपको मैसेज डलवा दूंगा या मैं डाल दूंगा कल, लेकिन क्लास रहेगी चैप्टर 3 की, जिन बच्चों ने चैप्टर 3 नहीं किया है, और एक अच्छी सी लेंथी सी क्लास रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है. सब फंक्शंस का एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना है ना, हां जी बिल्कुल करना है, लेकिन अभी नहीं करना है सर, फंक्शन तो कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी, हो गया सर कंप्लीट, आपकी एनसीईआरटी तो मैंने खत्म कर दी थी, कुल्लू है, यस सर कुल्लू है, एनसीईआरटी तो मैंने आपकी बिल्कुल खत्म कर दी थी बेटे, मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने हैं, लेकिन अभी जब तक मेरा सिलेबस ना हो जाए मैं अभी आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करा रहा हूं, अभी स्पेशली जो बच्चों के स्कूल्स हैं उस पे फोकस कर रहा हूं, ये सिर्फ अगस्त में, उम्मीद है अगस्त में हम सिलेबस थोड़ा सा दौड़ लगा लें तो फिर हम अपने उसी पे आ जाएंगे एंट्रेंस पैटर्न, ठीक है जी, yes, सभी sir. तो सभी बच्चे yes, माशाल्लाह से कुछ, जो कोई एक्स्ट्रा कर रहा है, अगर बुक है कुछ बच्चों के पास, शाइन भी कर रहे होंगे तो वो मुझसे एक्स्ट्रा में पूछते रहे, तो ये मान के चलिए अगस्त में इंशाल्लाह मैं सलामत रहूं, तबीयत ठीक रहे, मैं फ्री रहूं, मतलब कहीं ऐसा ना हो ट्रेवल कर रहा हूं, तो मेरी रोज क्लास होगी इंशाल्लाह, ठीक है जी, कोई छुट्टी नहीं है मैथ्स की अगस्त में, ये 10 दिन जो है 10-11 दिन. चलो जी, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, नमाज पढ़ लीजिए, अल्लाह हाफिज़, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकता है.
एक्स्ट्रा में